बाबा साहब छोटी सोच ते पैरों के आगे ठोके जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम बाबा साहब छोटी सोच ते पैरों के आगे ठोके बाबा साहब छोटी सोच ते पैरों के आगे ठोके तेरा मिशन है अधूरा जी राम करेगा पूरा बहुजन समाज बाबा साहब तेरा मिशन है अधूरा बहुजन समाज करेगा पूरा जय भीम जय मूल निवासी जय मूल निवासी जय मूल निवासी जय भीम जय भीम विजयदशमी के समागम विच हाजिर राष्ट्रीय मूल भारती चिंतन संघ के साथियो बहुजन समाज के साथियो जय भीम जय भारत नमो बुद्धा अज असी बुद्ध विहार कोटकपुरा विखे बैठ के अशोक विजयदशमी ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਪੱਬਾਂ ਭਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਜੈਨਤੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਹੁਜਨਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈ
तो असी एक बजे बुद्ध विहार कोटकपुरा विखे समागम शुरू करते हैं, चर्चा करते हैं, तो शाम नूं असी बौधनां दी दिवाली इस थां ते मना के उस समागम की समाप्ति कर दें। तो साडा मकसद है कि असी अपने पुरखियां नूं याद करिए, अपने पुरखियां दी याद विच उन्हां दिनां नूं मनाइए। तो अशोक विजय दशमी सम्राट अशोक दे बुत धर्म ग्रहण नाल संबंधित ये त्यौहार है। बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 नूं नागपुर विखे दीक्षा बुत धर्म की दीक्षा ली सी। वो इस भारत नूं प्रभुत भारत बनाउणा चाहुंदे सी। तां असीं बाबा साहब दे सपनिआं नूं पूरा करन वास्ते असीं अज बैठ के चिंतन मंथन करन बैठे हाँ। साडे समागम दे विच बांब साहिब दे राष्ट्रीय प्रधान कुमार काले जी, उस समागम दे मुख मेहमान ने मानयोग राज रतन जी पड़पोत्रे बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अंबेडकर, उस समागम विच शिरकत करनगे। ते उन्हां तो पहला साढ़े चिंतन संघ दे कुछ साथी साढ़े इतिहास ते साढ़े पुरखां दे इतिहास ते चर्चा करनगे। मैं तुहानूं सारिआं नूं बेनती करांगा कि इस समागम नूं सधारण रूप च नहीं लैणा। असीं अपने समाज दीआं समस्यावां नूं घट करना चाहुंदे हां, असीं समाज नूं बदलना चाहुंदे हां, समाजिक परिवर्तन करना चाहुंदे हां। तां जरूरी है कि असीं अपने पुरखियां दी याद विच जद भी जुड़ीए तां असीं सभ्यक समाज है दी तरह जुड़ीए और मिल बैठ के असी अपने पुरखियां दे इतिहास ते चर्चा करिए और जो कुछ करना बनता है उसनू करन दा यतन करिए। तो मैं शुरुआत दे विच एक सारियां गल्लां तुहाडे नाल सांझियां कीतियां ने, सो मैं तुहानू सारिआं नूं बेनती करांगा कि असीं जद अपने पुरखियां दी याद विच जुड़े हाँ तां सानूं साडे पुरखियां दी याद दे नाल नाल समागम दी जिहड़ी साडी इक बनी हुई है डेकरूम बनिया होया उसनूं फॉलो करिए, अनुशासन च रहिए और कोशिश करिए कि साडा शानदार समागम होवे और साडे समाज दे लोग ये कहन के ये सभ्यक लोग ने। तो मैं इस गल की उम्मीद करता होया कि तुसी सारा ने समागम नू सही तरीके नाल सुनना है, समझना है, क्योंकि असी इस देश नू प्रभुत भारत बनाउणा चाहुंदे हां, अपने पुरखियां दा दे सपनिआं दा भारत बनाउणा चाहुंदे हां। इस करके जरूरी है कि असी पुरखियां दी गल नू समझिए भी, जाणीए भी, ते साडे साथियां दे विचारां नू सुणीए ते अपने समाज दे विच उहनां दा प्रचार प्रसार करिए। सो बाहरों आए हुए सारे सज्जनां दा, सारे साथियां दा धन्नवाद करदा होया मैं राजा लैंदा हाँ। उस तो बाद बकायदा तौर पर साडे समागम की जो रूपरेखा है उहदे अनुसार इस समागम इस सम्मेलन शुरू होएगा। सो फिर तो सारिआं नूं जय भीम, जय भारत।